पहले चाइना की बात कर लेते हैं न्याजी साहब। करें। चाइना का ये जो आज 10 साल तकरीब मनाई गई, ये दरअसल उन शिकवे शिकायतों और जो फाइलों पे मिट्टियां पड़ गई थी उनको झाड़ने और मुस्कुरा के फिर दोबारा एक दूसरे के एतमाद बहाल करने की एक बड़ी कामयाब कोशिश थी। और ये पिछली दौरे हुकूमत में पीटीआई के सीपैक बुरी तरह मुतासिर हुआ है। पिछली गवर्नमेंट हुकूमत में वर्चुअली सीपैक होल्ड ऑन कर दिया गया था। उनके कॉमर्स मिस्टर रजाक दाऊद की कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है कि वी वांट टू रिव्यू सीपैक, वी वांट टू रिव्यू सीपैक के प्रोजेक्ट और हम इसको होल्ड करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है उस नेशनल प्रोजेक्ट के लिए जिसपे $25 बिलियन चाइना इन्वेस्ट कर चुका है उस वक्त तक और मजीद प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग जा रहे थे। तो ये बात मुझे तक कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में सीपैक को वो इनपुट, उसको वो अहमियत, वो प्रायोरिटी, वो तरजीह अहमियत नहीं दी गई और बल्कि डिस्करेज किया गया। प्रोजेक्ट्स डिले हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक गए, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हुकूमत में शुरू हो जाना चाहिए था, वो अब जाके शुरू हुए हैं पीडीएम की हुकूमत में। तो ये बड़ा जरूरी था। और ये जो नायब वजीर आजम साहब आए हैं ये सीपैक से बराह रास्त मुंसलिक, हमारे यहाँ के जितने लोग हैं उन्हीं से डील करते थे। ये अपना एहसन इकबाल साहब से भी इनकी डीलिंग है, हमारी फौज से भी जो सिपे सालार गए हैं उनसे भी इनकी डीलिंग है, शहबाज शरीफ साहब से भी डायरेक्ट इनसे डीलिंग है। तो सिपहसालार से खास डायरेक्ट तौर पर डीलिंग बुलाया है, गया। सिपहसालार से इनकी काफी डीलिंग है। जी हाँ बिल्कुल वही मैंने कहा है ना, सिपे सालार साहब जो है वो डायरेक्ट डील उनकी भी है। अब उन्होंने तीन चार सेक्टर आइडेंटिफाई करें, एनर्जी, एग्रीकल्चर, अर्बन रेलवे जिसे सर्कुलर रेलवे भी आप कह सकते हैं, आईटी और फाइबर ऑप्टिक जो है, ये उन्होंने कहा है कि इन सेक्टर्स को हमने आने वाले वक्त में फोकस करना है। और सेकेंड फेज सी पैक का जो वो शुरू करने जा रहे हैं उसमें दो बड़ी चीजें हैं जो उन्होंने नाम लिया है। एक है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अनाउंस हुए थे, दो दो हर सूबे में और एक गिलगित बल्तिस्तान में, जिसमें पिशावर वाला खुल गया है, रकापोशी का जिसमें दाबीजी का अफ्तिताह ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है, और जिसमें बाकी पंजाब में अलामा इकबाल वगैरह का भी मुझे नहीं पता कितने स्टेज पे, बट ज्यादा एडवांस वो नहीं गया। लेकिन ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो सही मानों में मेरे नजदीक सीपैक के जो सम्राट हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से मिल लेते हैं हमको, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सनतों की मुंतकली है चाइना से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जॉब क्रिएशन होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में एक्सपोर्ट्स होंगी। तो हमें तो ये चीज सबसे भली लगती है, सम्राट सबसे अच्छे लगते हैं।